बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुजरांवाला एजुकेशन बोर्ड में एफए पार्ट टू यानी कि 12वीं क्लास का पेपर मुतालिया पाकिस्तान का कैंसिल हुआ था 2 जुलाई को। जो मॉर्निंग में हुआ था फर्स्ट ग्रुप का, वो पेपर कैंसिल हो गया था, वो पेपर दोबारा होगा। जब से ये पेपर कैंसिल हुआ है तब से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो इस वजह से परेशान है कि उनका पेपर कैंसिल हो गया, उनका पेपर दोबारा होगा, उनको पेपर में दोबारा बैठना पड़ेगा। उसके बाद जो बड़ी परेशानी है वो परेशानी ये है कि उसके बाद जब से ये पेपर ये कैंसिल हुआ है तब से ये सोशल मीडिया पे एक झूठी खबरों का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। अब बच्चे इस बात पे परेशान है कि हमारा नेक्स्ट पेपर अब कब होगा, ये जो पेपर हमारा कैंसिल हुआ है ये दोबारा पेपर कब होगा। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ये व्हाट्सएप पे इतनी खबरें चल रही हैं, इतनी खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है जी 7 जुलाई को पेपर होगा, कोई कह रहा है इस डेट को पेपर होगा, कोई कहता है जी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन का पेपर हो जाएगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। तो इस वजह से बच्चे बेचारे इतने ज़्यादा डिसहार्ड और इतने परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि मेरा नंबर आप नोट कर लें व्हाट्सएप वाला। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ जो एक्यूरेट आप लोगों के साथ शेयर पहले भी कर रहा हूँ, नेक्स्ट भी करूँगा। तो अभी जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 7 जुलाई को जो मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होना था, ये जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, बच्चे इस नोटिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक के जो अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टडी पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन 7 जुलाई 2022, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन बोथ विल बी गिवन दिस पेपर। इसका मतलब है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का पेपर 7 जुलाई को होगा, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है, झूठ है, फेक है। ये जो नोटिफिकेशन है आप देखें ना, इवनिंग का तो पेपर कैंसिल ही नहीं हुआ, पेपर तो जस्ट कैंसिल हुआ सिर्फ मॉर्निंग का। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि मॉर्निंग का भी होगा और इवनिंग दोनों का होगा, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। 7 जुलाई को कोई पेपर भी 12वीं का नहीं होने जा रहा, 7 जुलाई को 11वीं क्लास का पेपर होगा, 7 तारीख को फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, सेकेंड ईयर का पेपर नहीं होगा। जो पेपर कैंसिल हो गया उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, वो बाद में होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोलर साहब ने आते क्या फैसला किया है। कंट्रोलर साहब, आपको पता है कि जैसे ये पेपर लीक हुआ था, एजुकेशन बोर्ड के जो कंट्रोलर सबक कंट्रोलर थे हाफिज़ खालिद महमूद सरगाना साहब, उनको चेंज कर दिया गया था। अब नए कंट्रोलर साहब नईम भट्ट साहब ने कंट्रोल संभाल लिया। कंट्रोल संभालते ही उन्होंने एक नया हुक्मनामा जारी किया। उनके मुताबिक मतला किया जाता है कि इम्तहान इंटरमीडिएट पार्ट टू के इनकाल के दौरान चंद शार पसंद नासर ने इंटरमीडिएट इम्तहान के मतलब मजामीन के कुछ सवाल हाथ से तहरीर करके सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक पर शेयर अपलोड करके उम्मीदवारों को पेपर लीक होने पर के बारे तासर गलत दे रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखें, अब कंट्रोलर साहब ने ये हुक्म जारी किया है, अब जो बंदा सोशल मीडिया पे ये जो पेपर कैंसिलेशन के वाले जो रूमर्स फैलाएगा ना, उसको हम FIR करेंगे। अब रूमर्स क्या चल रही हैं, रूमर ये चल रही है कि फिजिक्स का पेपर भी कैंसिल होने जा रहा है, मैथ का पेपर भी कैंसिल होने जा रहा है। जी फिजिक्स का पेपर भी लीक हो गया था, मैथ का पेपर भी लीक हो गया था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि फिजिक्स का पेपर, मैथ का पेपर वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान के पेपर का इशू है, मॉर्निंग वाले का, इवनिंग का वो भी नहीं है। सिर्फ मॉर्निंग वाला पेपर होगा और उसकी अभी डेट नहीं आई। जैसे ही कोई डेट आएगी इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि व्हाट्सएप पे भी मैं अपना स्टेटस भी लगा दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो भी बना दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। जितने बच्चे भी यहाँ परेशान ना हो, मेरा नंबर फिर नोट कर लें, 03003904825, 03000398425। ठीक है जी, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, आपको मेरा स्टेटस भी शो होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी अपडेट नहीं आएगी मैं आपको इंशाल्लाह सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।